गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू ब्यूटी तंत्र। सो आज हम करने वाले हैं मेकअप क्राइटेरिया सीरीज पार्ट 4। सो अगर आप लोग को नहीं पता तो मैंने मेकअप क्राइटेरिया सीरीज जो है वो चालू किया है, जिसमें मैं बताती हूँ कि पर्टिकुलर मेकअप आइटम आपको क्यों खरीदना चाहिए, कौन से बेसिस पे आपको खरीदना चाहिए, प्लस वो आपके स्किन टाइप के लिए अच्छा है नहीं है, एंड क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उसको बाय करने का। सो या अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड है देन विदाउट ब्लैबरिंग एनी फर्दर लेट्स जंप इनटू द वीडियो। बात करेंगे ब्लश के बारे में, प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर, ये सारी चीजों के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आप मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आप लोग ने नहीं चेकआउट किया है तो आप प्लीज उसको जाके देखिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक जो है वो डाल दूंगी। सो या अभी हम चलते हैं ब्लश की तरफ। सो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है मुझे ब्लश बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड ब्लश जो है लाइक मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है मेकअप में। सो मेरे पास काफ़ी टाइप के ब्लश है, बट आपको कौन सा ब्लश लेना चाहिए, आपके स्किन पे कौन सा ब्लश अच्छा लगेगा वो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। सो जैसे कि आप लोग को पता है मेरी स्किन जो है वो ऑयली टाइप है, तो ऑयली स्किन के लिए जो मैट ब्लशेस होते हैं वो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कीको मिलानो का ब्लश है जो बहुत ज़्यादा मैट है, प्लस इसका जो शेड है काफ़ी अच्छा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो इंडियन स्किन टोन पे है बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। अगर आपको ये ऐसे एक पर्टिकुलर ब्लश पे नहीं स्पेंड करना है तो आप ऐसा पैलेट ले सकते हो, ये सिवाना कलर्स का पैलेट है, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें सारे मैट ब्लशेस आपको मिलते हैं, प्लस एक हाइलाइटर और एक कॉन्टोर शेड भी आपको मिल जाएगा। ये कॉन्टोर शेड मेरे से जो है वो टूट चुका है, सो अभी मेरे पास सिर्फ हाइलाइटर एंड बाकी के ये ब्लशेस बचे हैं। सो इसका जो प्राइस है वो अराउंड 400 to 500 है, बट इस पर्टिकुलर एक ब्लश का जो प्राइस है वो 500 to 600 के अराउंड है। तो आपको ऐसा ब्लश चाहिए जो मल्टीपल कलर्स में हो, प्लस थोड़ा सा सस्ता भी हो, तो आप ऐसे पैलेट्स ले सकते हो। अदरवाइज आपको सिंगल कोई पर्टिकुलर कलर जो है वो पसंद आया तो आप ऐसे ब्लश पे इन्वेस्ट कर सकते हो। सो अभी हम चलते हैं ड्राई स्किन टाइप के ऊपर। तो ड्राई स्किन टाइप जो है वो ऑलरेडी ड्राई होती है, प्लस आप उस पर ऐसे मैट ब्लशेस वगैरह लगाओगे तो वो काफ़ी ड्राइंग हो सकता है आपकी स्किन के लिए। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, जो क्रीम ब्लश है, जो लिक्विड ब्लश है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड अगर आपको उस पर इन्वेस्ट नहीं करना तो जो ये लिप टिंट्स होते हैं या फिर जो ये लिप क्रीम होते हैं आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, आपके बैक ऑफ द हैंड पे लेना है और इसको फिंगर्स की हेल्प से आप एज अ ब्लश यूज कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, प्लस बहुत ज़्यादा सटल लगेगा, प्लस आपको वो ऐसा ड्यूइनेस देगा, एकदम फ्रेश लुक देगा, बिल्कुल भी आपको ऐसे ड्राइंग नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्रीम में होता है, मैट फॉर्मूला इसका नहीं है। इसके लिए आपकी स्किन पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आप फील करोगे। सो जो ड्राई स्किन टाइप वाले हैं उनको जो क्रीम ब्लश है, जो क्रीम है मतलब टिंट्स है, उस पे बेसिकली इन्वेस्ट करने चाहिए रादर देन अ मैट ब्लश। सो अभी चलते हैं कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के ऊपर। सो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आप कोई भी ब्लश यूज कर सकते हो। अगर आपको मतलब विंटर्स में यूज करना है तो आप स्पेसिफिकली क्रीम ब्लश ही यूज करो, अगर आपको समर्स में यूज करना है तो मैट ब्लश भी चल जाएगा। प्लस आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है इसके लिए आप पे मैट ब्लश या फिर आप पे क्रीम ब्लश दोनों ही चल जाएगा। बट स्पेसिफिकली अगर आप मुझसे पूछोगे तो जो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप होती है उसके लिए आपको ऐसा ब्लश लेना चाहिए जिसमें थोड़ा सा शीन हो, शीन मतलब जिसमें थोड़ा सा शाइन हो, थोड़ा सा ग्लिटर पार्टिकल्स हो। फॉर एग्जाम्पल मेबलिन फिट मी के ब्लशेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब ये जो है मैट ब्लशेस है, बट इफ़ यू कैन सी इसमें थोड़ा सा शाइन है, ये एकदम ही मैट नहीं है। लगाने के बाद ये हाइलाइटर का भी काम करता है, प्लस एक ब्लश का भी काम करता है। सो उस केस में आप ऐसे ब्लशेस पे इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें हल्का सा शीन हो, हल्का सा शाइन मौजूद हो। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई नो आज की वीडियो काफी छोटी थी, बट हम अगले पार्ट में पक्का से मिलेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट पार्ट। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।